अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। एक सवाल है, खांसी के इलाज के लिए गधी का दूध पीना कैसा है? तो इसका जवाब यह है कि खांसी का मर्ज हो या फिर कोई और बीमारी हो, अगर उस बीमारी का इलाज हलाल चीज़ों में मौजूद है, हलाल तरीके से उस बीमारी का इलाज किया जा सकता हो, तो वहाँ पर हराम चीज़ों की और नाजायज़ चीज़ों की जो है कोई गुंजाइश नहीं है, और नाजायज़ चीज़ से उस बीमारी के इलाज की कोई गुंजाइश नहीं, अगर उस बीमारी का इलाज हलाल चीज़ों में मुमकिन हो। जिस बीमारी का हराम चीज़ों के अलावा कोई दवा ही नहीं है, तो ऐसे मौके पर शरीयत में जो है जान बचाने के खातिर हराम चीज़ों से बतौर इलाज जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और उन चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी बीमारी हो कि उस बीमारी का इलाज हलाल दवाइयों में मौजूद है, हलाल तरीके से किया जा सकता है, तो वहाँ पर हराम चीज़ों का सहारा लेने की कोई गुंजाइश नहीं। तो गधी का दूध पीना ये नाजायज़ है, और खांसी की जो है दवाई मौजूद है और हलाल दवाइयाँ मौजूद है, तो यहाँ पर खांसी के मर्ज के लिए जो है गधी के दूध पीने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि खांसी की जो है इलाज के लिए हज़ारों हलाल दवाइयाँ मौजूद हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।